प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और इसी बीच भाजपा ने फिर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दावा किया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में चौथे चरण का शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न होने जा रहा है और राजस्थान में भाजपा मजबूत स्थिति में है। साथ ही भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत की साख पूरे विश्व में बढ़ी है और इसीलिए पूरे देश की जनता मोदी के साथ खड़ी है। वहीं कांग्रेस की ओर से चुनावी प्रचार में प्रधानमंत्री और भाजपा पर सवाल खड़े करने पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि वे लोग प्रचार में झूठ बोलते हैं और देश के सर्वोच्च न्यायालय का नाम लेकर दुष्प्रचार करते हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है और इस दृष्टि से भी है कि उसके बाद अगर आप देखेंगे तो देश में जो टैक्स देने वाले हैं उसकी संख्या दुगनी हुई है। देश में लाखों की संख्या में जो बेनामी कंपनियां जो चल रही थी, फर्जी कंपनी जो चल रही थी, वो फर्जी कंपनियां बंद हुई हैं। और मैं आपको आर्थिक उपलब्धियों की दृष्टि से बताना भी चाहूँगा कि बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी लॉ जो यह सरकार लेकर के आई है, कांग्रेस के समय में जो केवल NPA था वो 18 करोड़ से लेकर के 58 करोड़ रुपया हुआ। काफ़ी सारे पैसा जो है वो बुक में रीएडजस्ट किया जाता था लेकिन पैसे की कोई रिकवरी नहीं थी। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कानून लाकर के न केवल निवेशकों का देश में भरोसा हुआ, देश में